कुछ लोग पैसों का दान करते हैं, कुछ लोग खाने पीने की चीजों का दान करते हैं, लेकिन रक्तदान महादान कहलाया जाता है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने आसपास ब्लड डोनेशन की वैन या कैंप को देखते हैं तो वहां पहुंचते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। देखिए, साल के 50 लाख लोग आज भी ऐसे हैं जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, जिनके पास सही वक्त पर रक्त नहीं पहुंच पाता है। किसी के पास पैसों की कमी होती है तो किसी को ब्लड डोनेशन बैंक से ही सुनने के लिए मिलता है कि डोनर्स नहीं पहुंच रहे हैं तो हम कहां से ब्लड दें। मेरी आप सभी से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्लड डोनेशन बैंक्स में, कैंप्स में पहुंचें और वहां ब्लड डोनेट करें, ताकि जाने अनजाने में किसी न किसी की जिंदगी बच जाए। कुछ रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो इस ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो भी इस महादान को जरूर करें। देखिए, कुछ शंका दिमाग में ये रहती है कि अगर हमने ब्लड डोनेट किया तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है, आयरन की मात्रा संतुलित रहती है और कैंसर की बीमारी से भी आप बच सकते हैं। तो 18 साल की उम्र से जितने भी 60 साल की उम्र तक के लोग हैं जिनका 45 किलोग्राम से ज्यादा वजन है, वो इस दान को, इस रक्तदान को जरूर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम होगा आपका जो किसी ना किसी की जिंदगी बचा सकता है। मैं भी ब्लड डोनेट करती हूं, आप भी करिए और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। शुक्रिया।